नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर अब सत्ता में शामिल दो नेताओं के बीच ट्विटर वॉर देखने को मिल रहा है। शिवसेना के विधायक दीपक केसरकर भले ही उद्धव गुट से हटकर अब एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हों, लेकिन उद्धव ठाकरे के खिलाफ वो कोई भी बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इसी को लेकर अब बीजेपी के नेता नीलेश राणे और साथ ही शिंदे गुट में शामिल विधायक जो है दीपक केसरकर, वो आपस में भिड़ गए हैं और बयानबाजी का दौर जारी है। जहां एक तरफ नीलेश राणे लगातार ट्विटर के जरिए दीपक केसरकर पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दीपक केसरकर तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी के नेता कृत सोमैया और अब नीलेश राणे जैसे नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल नीलेश राणे की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर दीपक केसरकर उद्धव ठाकरे के इतने शौकीन हैं तो जाकर मातोश्री में उनके बर्तन धो लें। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है और अब इस ट्वीट को लेकर राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के समर्थन से गठबंधन की ये सरकार महाराष्ट्र में बनी है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। लेकिन जिस तरह से दीपक केसरकर जो कि शिवसेना के विधायक हैं और फिलहाल वो एकनाथ शिंदे गुट में हैं, लेकिन जिस तरह से वो एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें ये साफ तौर पर उनके ओर से कई बार इस बात का जिक्र किया गया है कि दरअसल वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे की कोई आलोचना करे ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि भले ही वो एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हों, लेकिन उद्धव ठाकरे उनके नेता हैं और जाहिर तौर पर नीलेश राणे, नितेश राणे और इसके अलावा खास तौर पर जो बीजेपी के नेता हैं कृत सोमैया, वो लगातार उद्धव ठाकरे पर हमलावर नजर आते हैं। इसको लेकर भी दीपक केसरकर की ओर से ये कहा गया है कि कृत सोमैया मातोश्री के बारे में बात करने से बच सकते हैं तो राणे के लिए ये मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उन्हें टारगेट किया गया था, जिसके बाद अब इस तरीके का ये वॉर देखने को मिल रहा है। जहाँ नीलेश राणे की ओर से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने बकायदा एक वीडियो भी ट्वीट की है और लिखा है कि दीपक केसरकर लिमिट में रहे, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। इसके अलावा एक और ट्वीट करते हुए ये लिखा गया है कि दीपक केसरकर ये मत भूलो कि 25 दिन पहले तुम कितने छोटे थे, यानी जब तुम शिवसेना में थे, अभी तुम सत्ता में आ गए हो। दीपक केसरकर को सम्मान मिले तो लेना सीखो, जितना लायक हो उससे ज्यादा मत बोलो। ये नीलेश राणे की ओर से ट्वीट किया गया है। तमाम जो वीडियो पोस्ट की गई है उसमें तमाम बातें कही गई हैं। ये भी कहा गया है कि दीपक केसरकर पहले ये सीखें कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करनी है, सवाल का जवाब कैसे देना है, किस तरह से अपने आप को पेश करना है। कि तमाम बड़ा हमला जो है वो नीलेश राणे की ओर से दीपक केसरकर पर बोला गया है। दरअसल एकनाथ शिंदे गुट में जो फिलहाल विधायक हैं, जो बाकी हुए हैं शिवसेना से, उनका साफ तौर पर ये आरोप था कि वो भले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्ता का सुख नहीं भोगा, यानी कभी भी उद्धव ठाकरे ने उनसे मुलाकात नहीं की, उनकी परेशानियों को नहीं समझा, उनके निर्वाचन क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं उनका संज्ञान नहीं लिया, और दीपक केसरकर भी उन विधायकों में शामिल थे। लेकिन आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि दरअसल उद्धव ठाकरे के बारे में वो कोई भी बात नहीं सुनेंगे, उनकी आलोचना वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो अभी भी उनके नेता हैं। तो ये तमाम बयानबाजी को लेकर अब आपस में फिर रहे हैं दीपक केसरकर, जो कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं और साथ ही प्रवक्ता हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो नेता हैं, पूर्व सांसद रहे हैं नीलेश राणे, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के वो बेटे हैं, और वो लगातार अब दीपक केसरकर पर हमलावर हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया है कि ये आप मत भूलो कि आपको राजनीतिक जीवन मिला है, सम्मान मिले तो सम्मान पाना सीखो, अगर नहीं तो आप जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, हम आपके द्वारा बोले जाने वाली भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं।
निदेश रानी ने केसरकर से ये साफ कहा है कि माहौल खराब मत करो। इतना ही नहीं, ये भी कहा है कि ये मत भूलो कि जिम्मेदारी आप दोनों पर है, हम गठबंधन में हैं। यानी बीजेपी और एकनाथ सिंधे गुट का गठबंधन हुआ है, ये भी याद दिलाया है और कहा है कि अब आप न्यू मीडिया के सामने बोलने लगे हैं, आपके पास सब कुछ नहीं है, इसे सीखो, पहले किसी से पूछें कि आखिर क्या कहना है और क्या कहां क्या बोलना है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और उसके बाद ही अपना मुंह खोल के नीलेश राणे ने ये कहा कि अगर उद्धव ठाकरे पर आपका इतना ही क्रश है तो आप मातोश्री में जाकर बर्तन धो सकते हैं। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है जो फिलहाल ट्वीट सुर्खियां बटोर रहा है और जाहिर तौर पर एक चौंकाने वाली बात भी है कि किस तरह से सत्ता में शामिल जो दो पार्टियां हैं, कह सकते हैं कि एक तरफ एकनाथ सिंधे गुट जिसके विधायक दीपक केसरकर हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी जिसके नेता नीलेश राणे हैं, और उन दोनों में इस तरीके का ये ट्विटर वॉर देखने को मिल रहा है जहां तमाम बयानों का सिलसिला जारी है। इस बीच तो आपको ये भी बता दें कि दीपक केसरकर की ओर से एक दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जब वो दिल्ली में मौजूद थे और उस वक्त उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार पर निशाना साधा था और ये कहा था कि दरअसल शिवसेना में फूट के जिम्मेदार जो हैं वो एनसीपी चीफ शरद पवार ही हैं। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक केसरकर की ओर से ये भी कहा गया था कि उद्धव ठाकरे अभी भी हमारे द्वारा सम्मानित नेता हैं और उन्हें आज भी हमें फोन करना चाहिए, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई थी, हम जाने के लिए तैयार हैं, अगर कोई उद्धव ठाकरे के बारे में कुछ कहता है तो ये हमारे काम नहीं आएगा। हमने बीजेपी नेताओं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी ये कहा है कि अगर कोई उद्धव के बारे में कुछ भी कहता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केसरकर ने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि उन्होंने परोक्ष रूप से राणे परिवार द्वारा की गई आलोचना की भी आलोचना की थी, यानी उद्धव ठाकरे के बारे में जो शब्द कहे गए थे उसकी भी आलोचना की थी। तो सवाल बीजेपी के नेता नीलेश राणे यही दाग रहे हैं कि आखिर अब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं और 25 सालों से जब वो शिवसेना का हिस्सा थे तो आखिर जब बीजेपी उद्धव ठाकरे की आलोचना करती थी तब आखिर दीपक केसरकर कहां थे। ये भी TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए नीलेश राणे की ओर से बड़ा सवाल दीपक केसरकर पर दागा गया है। तो फिलहाल सत्ता की जंग खत्म हुई, लेकिन अब सत्ता में काफी दो पार्टियों के नेताओं के बीच इस तरीके की जंग पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर देखने को मिल रही है। सवाल यही है कि आखिर दीपक केसरकर की मंशा क्या है, क्या वो एक बार फिर शिवसेना को एकजुट करने की इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, आखिर क्या रणनीति है कि वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ ना ही एक शब्द बोलना चाहते हैं और ना ही एक शब्द सुनना चाहते हैं, वो अभी भी उद्धव ठाकरे को अपना नेता बता रहे हैं। लेकिन यही तमाम विधायक थे जिन्होंने चिट्ठी में हस्ताक्षर किए थे बकायदा और उद्धव ठाकरे पर कई गंभीर आरोप लगाए थे कि किस तरीके से उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, हिंदुत्व के मुद्दे पर वो आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, लेकिन अब तेवर बदल रहे हैं और इसी पर नीलेश राणे की ओर से सवाल उठाए गए हैं। साथ ही ये भी सवाल किया गया है कि आप जिस तरह से प्रवक्ता के तौर पर पेश आ रहे हैं ये प्रवक्ता की भाषा नहीं होती है, पहले बोलना सीखिए, आप किस पद पर हैं उसका आपको पता होना चाहिए। इतना ही नहीं, सम्मान मिले तो लेना सीखो, जितना लायक हो उससे ज़्यादा मत बोलो। उस तरीके से अब लगातार ये सियासी जंग महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। लेकिन नीलेश राणे का ये ट्वीट काफी सुर्खियां बटोर रहा है जिसमें उन्होंने दीपक केसरकर से ये कहा है कि अगर आप उद्धव ठाकरे के इतने ही बड़े शौकीन हैं, अगर आप इतने ही बड़े फैन हैं तो जाकर मातोश्री में उनके बर्तन धो लें, यानी जो बंगला है उद्धव ठाकरे का वहां जाकर आप काम कर सकते हैं। इस तरीके से एक जवाब जो है वो दीपक केसरकर को नीलेश राणे की ओर से दिया गया है। तो फिलहाल बीजेपी के नेता नीलेश राणे की ओर से ये ट्वीट किया गया है जिसमें दीपक केसरकर को जवाब
क्या क्या है, और इतना ही नहीं, जो मीडिया चैनल TV9 से बातचीत उन्होंने की है उसमें साफ तौर पर दीपक केसरकर की भूमिका की आलोचना भी नीलेश राणे की ओर से की गई है। और ये बताया गया है, ये याद दिलाया गया है कि आज हम गठबंधन में हैं, हमें आपकी जितनी ज़रूरत है उतनी ही आपको हमारी ज़रूरत है, मैं इस क्षेत्र में दीपक केसरकर की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। यानी जमकर दीपक केसरकर की आलोचना की गई है, लेकिन ये याद दिलाया गया है कि महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है और जितनी ज़रूरत एकनाथ शिंदे को बीजेपी की है उतनी ही बीजेपी को एकनाथ शिंदे की है। तो ऐसे में इस तरह की बयानबाजी ना करके बेहतर होगा कि भाषा में सुधार किया जाए और इस तरह से उद्धव ठाकरे की आलोचनाओं को बर्दाश्त किया जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।